सो इन दिस सेशन वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स कैन एक्चुअली बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। वन दैट इज काइनेमैटिक्स एंड सेकेंड दैट इज डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है? व्हेन यू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इन दैट इफ यू डोंट कंसिडर द कॉज ऑफ द मोशन दैट इज फोर्स देन दोज स्टडी इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग एनी फोर्स इज कंसिडर्ड एज काइनेमैटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स इज नथिंग बट काइनेमैटिक्स। लाइक लेट अस से सपोज अ कार इज ट्रैवलिंग with 120 km per hour speed, and in that case if you want to find out what is the acceleration, if the initial time and final time is given, then that study is nothing but kinematics. If suppose you a person is traveling a distance of let us say 60 km in 4 hours, then how much is the time required, or let us say how much was the speed or what is the acceleration gained by the particle or a person, That study is nothing but kinematics. So there is a motion of an object, but you are studying only the velocity, acceleration, and without considering the external or any other forces acting on it. Dynamics is the study of the motion of the object in which you will consider the external causes like force. So when you are considering the force due to which there is a motion of an object, then that study is nothing but dynamics. तो यहाँ पर हम dynamics study करेंगे, मतलब यहाँ पर हम discuss करेंगे dynamics. तो dynamics जैसे मैंने समझाया कि कोई भी motion of the object है जिसमें cause समझाया गया, किस वजह से वो motion आ रहा है, मतलब force जब consider करते हैं तब उसे dynamics कहते हैं. तो हम पहले समझते हैं what do you mean by force. तो force अगर आपको समझाना है तो किस तरह से समझाओगे? तो फोर्स एक सिंपल मेथड से हम समझा सकते हैं, इट इज नथिंग बट पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को आप पुल करोगे या तो किसी चीज को आप पुश करो, जैसे ऑब्जेक्ट है, मैंने सपोज ये ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द फ्लोर, इफ आई पुश दिस ऑब्जेक्ट देन इट विल मूव इन फॉरवर्ड डिरेक्शन, ओके, देन दैट इज नथिंग बट अ फोर्स अप्लाइड टू दिस ऑब्जेक्ट। इफ आई पुल दैट ऑब्जेक्ट इट विल मूव इन रिवर्स डिरेक्शन, that is the force applied by the body in reverse direction. अब ये दोनों force push और pull दोनों force है, magnitude wise may or may not be same, but direction wise they are opposite. इसीलिए हमने पहले भी discuss किया हुआ है और आपको भी पता है कि force is a vector quantity which has both magnitude as well as direction. जैसे मैंने कहा suppose the force applied over here is 10 N, यहाँ पे जब मैं पुल करता हूं तो फोर्स अप्लाइड इज 10 N, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर हैविंग अ डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर मैग्नीट्यूड मे बी सेम बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट, एंड देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट उसके बारे में डिटेल में अब यहां पर नहीं समझेंगे। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर, कौन से टाइप के फोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट इज वन टाइप ऑफ अ फोर्स, ओके, एक्सर्टेड बाय अ हेवियर बॉडी लेट अस से अर्थ, कोई हेवनली बॉडी है या तो कोई अर्थ, लेट अस से अर्थ, व्हेन इट पुल्स द अनदर बॉडीज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयर इज अ पुल बाय अर्थ टू द स्मॉल बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स यह है कि जैसे सपोज आपके पास एक मैग्नेट दिया हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसा मैग्नेट दिया है, तो ये मैग्नेट कोई और दूसरे मैग्नेट को या तो कोई और मेटल ऑब्जेक्ट को, मेटल ऑब्जेक्ट या मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा, विल पुल द अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, सो दैट फोर्स विद द पुल व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड
to this objects due to this magnet, that is nothing but a force. So this type of forces are called as magnetic forces. एक mechanical force तो मैंने बात किया था, वैसे ही अगर दूसरा एक example लेते हैं, जैसे spring force है. So spring force क्या है? अगर मैंने एक spring लिया है और spring के साथ मैंने एक object, एक end पे object लटका दिया जिसका mass है m. तो दिस स्प्रिंग विल पुल द स्मॉल मासिव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, दैट इज नथिंग बट अवर स्प्रिंग फोर्स. सो फोर्स इज नथिंग बट द पुल और पुश एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? अब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हो तो क्या होगा? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फर्स्ट इफेक्ट है कि व्हेन यू गिव अ फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट देन इन दैट केस इट्स डायरेक्शन मे चेंज. देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट जैसे पत्थर एक धागे से बांध के आप जब रोटेट करते हो तो क्या होता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इन दैट केस इट्स स्पीड में रिमेन सेम, इट्स स्पीड सेम है बट इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देन इन दैट केस दैट इज देयर अ चेंज इन डायरेक्शन दैट इज अकरिंग ड्यू टू द फोर्स, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ मून और एन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू व्हाट? अ फोर्स ओनली, बट इन दैट केस इट्स स्पीड इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट विच कैन अकर. दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो इट्स स्पीड में चेंज, देयर इज अ चेंज इन स्पीड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. अब जैसे ही स्टेशन आने वाला हो तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, सो देयर इज अ चेंज इन स्पीड अकर्ड. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन अपोजिट फोर्स अप्लाइड टू द मोशन ऑफ द ट्रेन बाय अप्लाइंग अ ब्रेक. जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होगा? देयर इज एन अपोजिट फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो दैट विल चेंज द स्पीड. तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है इन अपोजिट डायरेक्शन जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो रही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको फोर्स लगाना है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्पीड गेन भी हो सकती है. तो इनिशियली सपोज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसकी स्पीड बढ़ती है, इट मींस यू हैव चेंज द स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड, दैट स्पीड चेंज कैन अकर ओनली व्हेन देयर इज अ फोर्स अप्लाइड टू इट. थर्ड है चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट का शेप ही चेंज कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक मेटल है, कॉपर मेटल, उसको मैं हैमर से मारता हूं जोर जोर से. तो मैंने क्या किया, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स जोर जोर से उसके ऊपर, मैंने हैमर मारा, ठीक है. तो हैमर से आप जोर जोर से मारते हो तो मेटल का शेप चेंज हो जाएगा, either the size of the metal will increase or it may decrease. So this type of force which is applied which changes the shape of an object, well, that is another effect of the force. So due to the effect change in due to the force, the following three things can occur, that is one change in direction, another change in speed, or third, that is change in shape. So now let us understand Newton's first law of motion. ये आपने कई बार स्कूल में पढ़ा होगा, प्राइमरी स्कूल्स में, what is Newton's laws of motion. So you must now also be knowing what is Newton's first law of motion. So कैसे explain करते हैं? तो हम इस तरह से explain कर सकते हैं कि whenever there total force, external force, any external force when it is acting on a body, and if that external force is zero, then body will remain at the state of rest or
it will remain in a constant velocity. If it is moving with a constant velocity, it will remain in that constant velocity only. So that is Newton's first law of motion. So over here I have defined in another way also. You can also write like this: if the vector sum of all the external forces, it is the vector sum, why? Because the force is a vector quantity. So if the vector sum of all external forces acting on the object is zero, then it will remain at the rest. कोई external force act ही नहीं कर रहा है, then in that case the object will remain at the rest. Or if it is in motion, if it is in motion, then it will remain in motion only. So that is motion with a constant velocity. So if see in mathematically you can also write like this: if let us say sigma of f is the summation of all external forces zero, then acceleration is zero. Let us say suppose एक object है, इस object को हमने किसी table के ऊपर रखा हुआ है, तो ये object जो है वो rest पे है. अब rest पे कब है? क्योंकि देखो इस चीज में suppose ये object है, ये object को downward force तो लगेगा due to gravitational force, but ये टेबल की वजह से उसको अपर फोर्स भी लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या तो कॉन्टैक्ट फोर्स. अब यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स है W और रिएक्शन फोर्स है M, दोनों इक्वल है, इसीलिए टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाता है. अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में भी कोई फोर्स है नहीं, तो फोर्स जो लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में दो ही है, एक अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द टेबल कॉन्टैक्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब दोनों फोर्स सेम है, इसीलिए बॉडी इज एट अ रेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ? द समेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो. कैसे लिख सकते हैं यहां पर? W माइनस एन प्लस, सपोज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में F1, रिवर्स डायरेक्शन में F2, प्लस यहां तो फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, दैट इज इक्वल टू जीरो. सो दैट इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो पहले हम इनर्शिया डिफाइन करते हैं. तो आपको पता होगा इनर्शिया तो पहले भी आपने डिफाइन किया होगा कि इनर्शिया इज नथिंग बट टेंडेंसी और टू रेजिस्ट एनी चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट टू एनी चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और या तो ऐसे भी बोल सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन और चेंज इट्स स्टेट. इफ इट इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन then it will remain in the motion. That is called as inertia. अब inertia किस पे depend करेगा? The mass of an object. जैसे कोई heavier mass है, तो हम बोलेंगे इसका inertia ज़्यादा होगा. मतलब उसका resistance to change ज़्यादा है. मतलब उसको हमें force ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ही वो accelerate हो सकता है. तो इसका मतलब उसका inertia ज़्यादा है. So that is law of inertia. अब Newton's first law आपने definition पता हो गया कि you know that whenever there is an external force that is acting, sorry, whenever there is no external force acting on the body, then body will remain at the state of rest. इसका हम example ले लेते हैं. अब जो Newton's first law of motion है, that is valid only in inertial frame of reference. अब frame of reference बहुत important. It is valid only in inertial frame of reference. अब inertial frame और non-inertial frame क्या होता है? तो for example उसके लिए एक example ले लेते हैं. कि लेट अस से एक बस है, ओके, इट इज ट्रैवलिंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड, यू नो, यूनिफॉर्म मोशन विद अ पर्टिकुलर स्पीड. अब एक पर्सन है जो बस के अंदर बैठा है और इसके अंदर एक लाइट लगी हुई है, फिक्स वर्ड लाइट, ठीक है. और एक दूसरा पर्सन है विच इज स्टैंडिंग on the floor and it is he is watching from outside. अब ऐसे केस में the when the bus is traveling in forward direction, the person A which is inside the bus, जो अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए तो ये जो light bulb है वो is steady. उसके लिए तो ये ऐसा लगेगा कि bulb जो अंदर है वो steady है, it is not in motion.
पर ये जो पर्सन बी है जो बाहर से देख रहा है उसके लिए ये लाइट इज ऑल्सो दिस लाइट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड। जैसे सपोज ये ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड वी, तो ये उसके लिए तो ये जो लाइट है इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग विद अ स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। मतलब सपोज अ पर्सन बी इज एट अ स्टेडी फ्रॉम द फ्लोर इफ इट इज मेजरिंग, फॉर हिम द वेलोसिटी इज डिफरेंट एंड फॉर द पर्सन इनसाइड द बस द वेलोसिटी इज जीरो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमेशा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमेशा वैलिड है फॉर ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ इसमें, कि इफ लेट अस से द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो एंड स्टिल देयर इज एन एक्सेलरेशन, देन दैट इज नॉन इनर्शियल, दैट कैन अकर ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो उल्टा कि एक्सेलरेशन है बट समेशन ऑफ फोर्स इज जीरो, मतलब टोटल फोर्स इफ इट इज जीरो, सॉरी उल्टा कि एक्सेलरेशन जीरो है but summation of force is not zero, then again this can occur only in non-initial frame of reference, then in that case you cannot apply Newton's first law of motion. So Newton's first law of motion is valid only when sigma f is equal to zero and that case acceleration is equal to zero. So this can occur in particular frame of reference that is called as inertial frame of reference. तो हम तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कंसीडर करेंगे, द अर्थ इज अवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रॉम अर्थ विच एवर वट एवर वी मेजर दैट इज अवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, let us say a person is sitting inside the bus, a bus is traveling with a particular speed, okay, a person is traveling a bus is traveling with a particular speed in forward direction. Ab initially bus is at rest, ab jaise hi main bus start karke shuru hoti hai to us waqt the person who is sitting inside the bus will experience a certain force, उसे जर्क लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में जर्क लगता है तो हम देखते हैं किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो जैसे अगर आप ये पर्सन को मैं बाहर बनाता हूं, अब ये जो पर्सन है उसका हाफ ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बस, अब जैसे ही बस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव हुई तो हाफ ऑफ द बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, पर जो अपर बॉडी है वो तो अभी भी रेस्ट में है, इसीलिए वो रेस्ट में रहता है, इसीलिए दिस ऑब्जेक्ट और द बॉडी और द ऑब्जेक्ट और लेट अस से अ पर्सन विल एक्सपीरियंस अ जर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, तो पीछे की ओर खींचा जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब बस स्टार्ट होती है। उल्टा लेते हैं, जब बस मूव हो रहा हो और सडनली स्टॉप होता है तो क्या होगा, जैसे ही बस स्टॉप होगा तो ये दूसरा केस लेते हैं, जैसे ही बस स्टॉप होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे ही बस स्टॉप होती है वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द पर्सन उसे एक्सपीरियंस होगा कि वेलोसिटी जीरो, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल एक्सपीरियंस विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, इट विल एक्सपीरियंस दैट द वेलोसिटी इज जीरो, इसीलिए वो स्टेडी पोजिशन में आ जाएगा। पर अपर बॉडी है वो तो अभी भी ऐसा फील हो रहा है, तो उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी पूरी ऊपर की बॉडी आगे की ओर झुकेगी। तो जब आप जा रहे हो और बस सडनली स्टॉप होती है तो आप थोड़ा सा आगे की ओर झुकते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि अपर बॉडी स्टिल इज इन मोशन एंड द लोअर बॉडी विल कम टू अ रेस्ट। तो ये दो केस हो गए। तीसरा केस भी ले सकते हैं कि सपोज डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा। लेट अस से एक सर्कुलर पाथ है। अब जब बस यहां से टर्न होगी, एक सर्कुलर पाथ नहीं लेंगे, यू टर्न लेंगे, लेट अस से ऐसा एक यू टर्न। ओके, अगर ये बस यहां से ट्रैवल होते हुए यहां से जैसे ही टर्न होगी, ठीक है, तो बस के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है
उसे तो पहले शरीर लीनियर मोशन लग रहा है, सो इट्स वेलोसिटी इज इन लीनियर डायरेक्शन, बट व्हेन इट मूव्स इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन. अब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, पर द पर्सन विच इज सिटिंग इन साइड द हाफ ऑफ द बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच विल चेंज इट्स डायरेक्शन. तो यहां पर फोर्स तो लग रहा है जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होगी. तो जब यहां पर आएंगे तब क्या होगा, तो नीचे की जो बॉडी है जो कॉन्टेक्ट में है वो तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव होगी, पर ऊपर की बॉडी को अभी तक फील नहीं हुआ, उसमें तो ऐसे ही लग रहा है हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हमारी पूरी बॉडी आउटर डायरेक्शन में झुकेगी. इसलिए आप जब भी देखोगे कि व्हेनेवर यू आर टर्निंग तो हमारी पूरी बॉडी एक साइड झुक जाती है, इसलिए क्योंकि वी आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द लीनियर वेलोसिटी. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जैसे ये है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, ये जैसे व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज होगा तो क्या हो सकता है. तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे लिफ्ट में अगर आप जा रहे हो तो लिफ्ट जैसे ही सडनली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब लिफ्ट इनिशियली स्टेडी पोजीशन में है, जैसे ही लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तब हमें अपनी बॉडी को कुछ जर्क लगता है, दैट इज ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यू कैन से NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसका ये फर्स्ट लॉ है, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.